नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर जो है एम लक्ष्मीकांत किताब से इंडियन पॉलिटी प्रॉब्लम जो कि आपका ऑब्जेक्टिव किताब है, एमसीक्यू बेस्ड किताब है, ठीक है। और इसे हम लोग सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं चैप्टर बाय चैप्टर बाय, ठीक, चैप्टर बाय चैप्टर, ठीक है। और हम लोग इसमें जो है पेपर वन आपका यूपीएससी का और आपका पेपर टू नेट जेआरएफ का इस किताब से बहुत ही आपका जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये आपका यूपीएससी पीटी के लिए खास करके बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज हम चैप्टर नंबर 30 करेंगे और चैप्टर नंबर 29 होगा, ठीक है। और इसका एक ही पार्ट होगा, पार्ट नंबर ए। और इसमें हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर करेंगे, ओनली क्वेश्चन एंड आंसर विदाउट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। और हम लोग आज यूनिट फोर पार्ट फोर का स्टेट गवर्नमेंट का चैप्टर नंबर 29 स्टेट लेजिस्लेचर का एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आपके सामने स्टेट लेजिस्लेचर का गवर्नमेंट चैप्टर नंबर 29, ठीक है। देखिए आपके सामने चैप्टर नंबर 29 आ गया, स्टेट लेजिस्लेचर का एमसीक्यू, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट। तो वन करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी, बोथ वन एंड टू आर राइट। तो ऑल बिल पेंडिंग इन द लेजिस्लेटिव, ऑल बिल पेंडिंग इन द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट शैल नॉट लैप्स बाय रीजन ऑफ द प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस ऑफ हाउसेस और हाउसेस देयर ऑफ एंड ए बिल पेंडिंग इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट व्हिच हैज नॉट बीन पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल नॉट लैप्स ऑन डिजोल्यूशन ऑफ द असेंबली। दोनों आपका सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। टू करेक्ट आर ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन इज राइट। तो पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द एबोलिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट हैविंग ए स्टेट काउंसिल और फॉर द क्रिएशन ऑफ स्टेट सच ए काउंसिल इन द स्टेट हैविंग नो सच काउंसिल। आपका वन गलत है और टू गलत, आपका वन सी है और टू गलत है, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट हैविंग सच ए काउंसिल शैल नॉट एक्सीड वन हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। यहाँ पर गलत है। क्वेश्चन नंबर थ्री, द अपर चैम्बर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, द अपर चैम्बर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर बिसाइड अदर मेंबर्स कंसिस्ट ऑफ ऑप्शन नंबर ए 1/12 इलेक्टेड बाय टीचर्स इलेक्टोरेट, 1/3 इलेक्टेड बाय म्युनिसिपैलिटीज एंड 1/12 इलेक्टेड बाय रजिस्टर्ड ग्रेजुएट। द अपर चैम्बर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर बिसाइड अदर मेंबर्स कंसिस्ट ऑफ 1/12 इलेक्टेड बाय टीचर्स इलेक्टोरेट एंड 1/3 इलेक्टेड बाय म्युनिसिपैलिटीज एंड 1/12 इलेक्टेड बाय रजिस्टर्ड ग्रेजुएट। क्वेश्चन फोर है, द कोरम टू होल्ड ए मीटिंग ऑफ ए हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर शैल बी ऑप्शन नंबर डी 10 मेंबर्स ऑफ 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स मेंबरशिप व्हिच एवर इज मोर। द कोरम टू होल्ड ए मीटिंग ऑफ ए हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर शैल बी ऑप्शन नंबर डी 10 मेंबर और 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप व्हिच एवर इज मोर। क्वेश्चन नंबर 5 है, असर्शन इज जनर, तो असर्शन ये कह रहा है बिल व्हिच इज द बिल व्हिच If enacted and brought into operation would involve expenditure from the consolidated fund of a state must have been recommended by the governor of to a house of the legislature of the state for consideration of the bill. Generally, such a bill cannot be passed by the house without the recommendation of the governor for the consideration of the bill. Both A and R are individually true and R is the correct explanation of A. तो आपका दोनों सही है, ठीक है, और इसका explanation भी सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बिल इज रिजर्व बाय द गवर्नर ऑफ ए स्टेट फॉर द कंसीडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट में ऑप्शन नंबर इसका सी 1/4, ठीक है। तो आपका सही है, गिव हिज असेंट टू द बिल, विथहोल्ड हिज असेंट टू द बिल एंड डायरेक्ट द गवर्नर ऑफ द स्टेट टू रिटर्न इट टू द हाउस ऑफ हाउस फॉर रिकंसीडरेशन, ऑप्शन नंबर 3 वेटो फॉर द बिल, आपका गलत है। क्वेश्चन का 7 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट does not have विधान परिषद, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट does not have विधान परिषद, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। क्वेश्चन आपका 8 है, consider the following statement, which of the statement given are correct. तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1 and 3 आर राइट, ठीक है, एक और 3 आपका सही है। तो नो डिस्कशन, नो डिस्कशन कैन टेक प्लेस इन द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट विद रिस्पेक्ट टू द कंडक्ट ऑफ एनी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज पर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये आपका सही है। और कोर्ट्स कैन नॉट इंक्वायर इनटू एनी प्रोसीडिंग ऑफ द लेजिस्लेचर्स एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये आपका सही है। आपका दूसरा गलत है,
there is no restriction on the discussion to take place in the jurisdiction of a state with respect to the conduct of any judge of the state high court as per provision of the constitution of india. Question 9 hai, the legislative assembly of a state can pass a resolution to abolish or create a legislative council in the state by a option number c majority of the total membership of the legislative assembly and by a majority of a not less than 2/3 of the members present and voting. Question 10 hai, assertion nahi keh raha, governor can withhold a non money bill passed by the state legislature. Origin r hai, governors are empowered by the article 200 of the constitution of india to do so. Theek hai, तो 10 का ऑप्शन नंबर सही है, बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ठीक है, तो गवर्नर कैन बी टोल्ड ए नॉन मनी बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, आपका सही है. एंड गवर्नर्स आर एम्पावर्ड बाय द आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू डू सो. ठीक है, आपका सही है. क्वेश्चन 11 नंबर है, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली विधानसभा ऑफ एनी स्टेट, ऑप्शन नंबर सी 500 मेंबर्स. क्वेश्चन 12, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, which of the statement are correct, option number a only one is right, reservation of a state bill for the absence of the president is a discretionary power of the governor of a state, aapka sahi hai. Aur aapka dusra galat hai, president of india is not empowered to keep a bill of the state legislature pending for an indefinite period of time without expressing his mind. Aur question 13 hai, what is the time limit within which a non money bill has to be sent to the state legislature by the governor for this consideration, option number d no time limit specified. So what is the time limit within which a non money bill has to be sent sent to the state legislature by the governor for reconsideration, option number d no time limit specified. Question number 14 hai, which one of the following is not correct with respect to the power of the governor regarding a bill passed by the state legislature, option number d he shall have no alternative but to give his assent to the bill. ठीक है, तो इस प्रकार हमने पढ़ा आज का वीडियो, तो आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद. कल पढ़ेंगे आपका चैप्टर नंबर 30 जो कि आपका हुआ हाई कोर्ट से क्वेश्चन. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद.